नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? टू डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम्स विद इंपल्स रिस्पॉन्सेज H1N एंड H2N आर कनेक्टेड इन कास्केड, वेयर डेल्टा एन इज द डेल्टा फंक्शन। इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द कास्केडेड सिस्टम इज, देखिए टाइम, देखिए आपको पता है कि जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है ऑफ डेल्टा फंक्शन, ये हमेशा वन होता है। ठीक है, अगर हम इसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दें एक्स एन माइनस एन नॉट, तो ये होता है जेड माइनस एन नॉट एक्स जेड। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि हमें ये एच वन एन दिया है और ये एच टू एन दिया है। अगर एच वन एन एच टू एन को कास्केड कर देंगे तो जो आपका रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो एच वन एन कन्वोल्यूशन एच टू एन होगा। ठीक है, तो जब हम जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एच जेड इज इक्वल टू एच वन जेड एच टू जेड होगा। तो यहाँ पे एच वन जेड कितना है आपका, इसका जेड ट्रांसफॉर्म लीजिए, जेड इनवर्स प्लस जेड डॉट वन प्लस जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड इनवर्स प्लस जेड माइनस टू प्लस जेड प्लस जेड टू दी पावर जीरो। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसका इन्वर्स लीजिए, डेल्टा एन माइनस वन प्लस डेल्टा एन माइनस टू प्लस डेल्टा एन प्लस वन प्लस डेल्टा एन। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कास्केडेड फंक्शन का कितना होगा, ये थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इम्पल्स रिस्पॉन्स जी टी ऑफ ए सिस्टम जी इज शोन इन फिगर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ टू कास्केडेड ब्लॉक्स ऑफ जी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा आपका, एच एफ इज इक्वल टू जी एफ कन्वॉल्यूशन जी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका जो एच टी फंक्शन होगा वन, ये एम इज इक्वल टू वन, ये एम इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये जो वैल्यू है ये वन हो गया, ये एच टी है और ये वन है। अब इसमें आप देखो मैक्सिमम जो वैल्यू है कास्केडेड रिस्पॉन्स की वो वन ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या जी टी है, कन्वोल्यूशन जी टी है। ठीक है, तो अंत में क्या होगा, ये इसने बोला टू कास्केडेड, अगर इसी तरह के टू कास्केडेड ब्लॉक्स हो गए, मतलब ये भी इस तरीके से है ये भी इस तरह के, तो ये जब कन्वोल्यूट होंगे तो यही फंक्शन तो आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम विद इनपुट एक्स टी एंड आउटपुट वाई टी गिवन बाई वाई टी इक्वल टू एक्स टी कॉस टी, दिस सिस्टम इज। देखिए इस क्वेश्चन में पहले तो हमें क्या करना है, चेक लीनियरिटी प्रॉपर्टी, हमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी चेक करनी है। ठीक है, जैसे हमने लिखा वाई टी इज इक्वल टू ए वन एक्स टी कॉस टी एंड ए टू एक्स टी कॉस टी, तो ये हमने निकाला। अब हम चेक करेंगे सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन प्रॉपर्टी। तो वाई टी इज इक्वल टू ए वन एक्स टी कॉस टी प्लस ए टू एक्स टी कॉस टी, दिस सिस्टम फॉलोज बोथ होमोजिनिटी एंड सुपर पोजिशन। तो यहाँ पे सिस्टम कैसा है, लीनियर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए y ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस टी नॉट cos t माइनस टी नॉट हो जाएगा। फिर y ऑफ t डैश इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस टी नॉट cos ऑफ t हो जाएगा। तो सिंस जो आपका वाई टी माइनस टी नॉट है दिस इज नॉट इक्वल टू वाई ऑफ टी डैश, इसीलिए ये टाइम इनवेरियंट नहीं है, इट इज़ नॉट टाइम इनवेरिएंट, इसीलिए ये लीनियर एंड टाइम वेरिंग है। ये कैसा है, लीनियर फंक्शन है एंड टाइम वेरिंग फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिग्नल एफ टी इज इक्वल टू दिस मच द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाइंग द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया इज। देखिए नाइक्विस्ट रेट इज द मिनिमम रेट एट विच अ सिग्नल कैन बी सैम्पल्ड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एरर्स विच इज ट्वाइस द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल। तो यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम है। अब इसमें आप देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी वो है
एट पाई, 12 पाई, 14 पाई, यानी कि ये कितना हो गया, 4, 6 एंड 7। तो 4, 6, 7 में से ये हो गया, तो ये जो है आपकी जो एफ मैक्सिमम है वो 7 है, यानी कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम, यानी कि ग्रेटर देन 14 है। तो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 14 हर्ट्ज़ है, राइट। ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल वी टी इज इक्वल टू 30 sin 100 t प्लस 10 cos दिस फंक्शन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके पास ओमेगा 100 रेडियंस पर सेकंड है, ओमेगा 2 300, सॉरी ये रेडियंस है, ये भी रेडियंस है, एंड ओमेगा 3 500 रेडियंस है। तो t1 इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा 1, 2π बाय ओमेगा 2, 2π बाय ये t2 हो गया, ये t3 हो गया, 2π बाय ओमेगा 3। तो ये वैल्यू है 2π बाय 100, ये 2π बाय 300 है, और ये 2π बाय 500 है। तो ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये सेकंड। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका सिग्नल का, एलसीएम लेंगे हम t1 t2 t3 का, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एलसीएम, 2π 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 अपॉन एचसीएफ 100 300 500 एज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, टी नॉट इज इक्वल टू 2π बाय 100, ठीक है। तो ओमेगा नॉट हो जाएगा 2π बाय टी नॉट इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड, इसीलिए आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फंक्शन एफ टी शोन इन द फिगर। तो ये कैसा है फंक्शन, फॉर दिस वेव फॉर्म, ये जो एफ टी है ये एक आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ माइनस टी। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो फंक्शन का है ये इमेजिनरी है एंड ऑड फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का बॉट होता है, इफ द फंक्शन ऑन वन साइड ऑन टी एक्सिस इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर साइड। इसका इन्वर्टेड है ना, यहाँ पे ये इन्वर्टेड है, इसीलिए ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये जो फंक्शन है आपका, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी एंड ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, कंसिडर अ सिग्नल, आपको ये दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए, कंसिडर सिग्नल एक्स एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एन वन एन, वेयर वन एन इक्वल टू जीरो, वन एन इक्वल टू वन, जेड ट्रांस ऑफ एक्स एन माइनस के इज इतना, विद रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बींग। देखिए एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड माइनस एन। तो ए एन यू एन, इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म है 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स है। तो आर ओ सी क्या हो जाएगा, मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये तो था आपका, हम जब इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट इज इक्वल टू जेड माइनस एन नॉट एक्स जेड। तो इसका जो आर ओ सी होगा वो आर होगा, टाइम शिफ्टिंग विल नॉट अफेक्ट आर ओ सी। तो एक्स एन आपको कितना दिया है, हाफ ऑफ एन यू एन, तो इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा जेड बाय जेड माइनस हाफ, तो 1/1 माइनस हाफ जेड इनवर्स। तो आर ओ सी कितना हो जाएगा आपका, हाफ जेड इनवर्स इसका लेस देन 1, यानी कि 1/2 जेड लेस देन 1, यानी कि 1/2 लेस देन जेड, यानी कि मॉड जेड ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जेड ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस के है वो हो जाएगा जेड माइनस के अपॉन 1/1 माइनस हाफ जेड इनवर्स। तो यहाँ पे जो आर ओ सी है ये है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मॉड जेड ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन अ बैंड लिमिटेड सिग्नल इज 5 kHz, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी होगी। इस क्वेश्चन में आप देखिए एफएम जो है 5 kHz है, राइट। तो ओमेगा सी आपका कितना दिया है, 2πfc, तो 2 ये आपको दिया है 2000π, तो एफ सी कितना दिया है आपको, 1 kHz। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ सी प्लस एफ एम होगी, यानी कि 5+1 यानी कि 6 kHz होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ कंटिन्यूस टाइम कैजुअल एंड स्टेबल एलटीआई सिस्टम। देखिए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो होता है
मैंने आपको बताया था सिग्नल ऑफ कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड एंड टाइम इज नोन एज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और एन एनालॉग सिग्नल। और ठीक है, अब इसमें जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बोला है कंटिन्यूस टाइम कैजुअल एंड एलटीआई सिस्टम के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। जैसे ऑल द पोल्स ऑफ द सिस्टम मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जे ओमेगा सिक्सेस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि द सिस्टम इज स्टेबल ओनली, कब सिस्टम स्टेबल होगा, इफ एंड ओनली इफ ऑल द रूट्स लाई ऑन एलएचएस ऑफ एस प्लेन और जे ओमेगा एक्सिस। वी कैन से इन पोल्स के नेगेटिव रियल पार्ट्स हैं, पोल्स हैव नेगेटिव रियल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका ट्रू है, जीरोज ऑफ द सिस्टम कैन लाई एनीवेयर ऑन द एस प्लेन, ये भी ट्रू है, ठीक है। जीरोज आर इन द आरएचएस ऑफ एस प्लेन, और अगर जीरोज आपके मान लीजिए आउटसाइड द यूनिट सर्कल है, देन इट डज नॉट कॉज द सिस्टम टू बी अनस्टेबल, ठीक है। ऑल द पोल्स मस्ट लाई विद इन एस इज इक्वल टू वन, ये भी सही है। द सिस्टम इज स्टेबल इफ एंड ओनली इफ आर ओ सी ऑफ द सिस्टम फंक्शन इंक्लूड्स, इफ आर ओ सी ऑफ सिस्टम फंक्शन इंक्लूड्स यूनिट सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू वन एंड नॉट मॉड एस इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब है ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जी ओमेगा एक्सिस। देखिए, फॉर स्टेबिलिटी ऑल द रूट्स मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन, इवन इफ वन रूट लाइज ऑन द आरएच साइड ऑफ द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। तो इसमें जो इसने बोला है कि विच वन इज नॉट ट्रू, ऑल द पोल्स मस्ट लाई विद इन एस इज इक्वल टू वन, आर ओ सी ऑफ एक्सिट इंक्लूड यूनिट सर्कल, ये नहीं आना चाहिए मॉड जेड इज इक्वल टू वन का सर्कल होना, जिससे ये गलत है। तो आपको अगर मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।